जब भी आप कोई परेशानी देखें, जब भी आपके दिल में कोई बुरा ख्याल आए, तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें और कहें अल्लाहुम्मा ला याती बिल हसनाति इल्ला अंता, अल्लाहुम्मा ला याती बिल हसनाति इल्ला अंता। ऐ परवरदिगार, कोई अच्छाई नहीं मिलती हमें लेकिन तेरे ही से मिलती है, हमारा कोई भला नहीं कर सकता, सिर्फ तू ही कर सकता है। ला याती बिल हसनात, हसनात के माने अच्छा वक्त, नेकियां, खुशी की खबरें। अल्लाहुम्मा ला याती बिल हसनात इल्ला अंता वला यदफ़ाउ बिस्सय्यात इल्ला अंता। ऐ अल्लाह, कोई भी बुराई हो कोई दूर नहीं कर सकता, हाँ तू दूर कर सकता, तेरे अलावा किसी भी बुराई को कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन तू कर सकता है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिका, परवरदिगार मेरे अंदर तो न बचने की ताकत है न मुझसे लड़ने की ताकत है, जो कुछ है बस तू है, तुझसे है। या मिसाल के तौर से किसी खौफनाक जानवर ने हमला कर दिया, तो दो तरीके हैं ना बचने के, या तो बच के भाग जाओ या उससे लड़ लो, दो ही तरीके हैं। ला हौला, हौला के मतलब यह है कि मैं बचकर नहीं जा सकता, मेरे पास कोई तरीका नहीं है, बचने का कोई तरीका नहीं। अल्लाहुम्मा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिका, मेरे अंदर कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, न तो मेरे अंदर बचने की ताकत है न मेरे अंदर लड़ने की ताकत है। परवरदिगार, अच्छा भी तेरी तरफ से है और बुरा भी तेरी तरफ से है। जब भी कोई इंसान को कोई परेशानी का वक्त सामने आए तो यही दुआ करें। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस दुआ को लिखा है।